Drop it. What? Hold up. डॉलमेन मॉल तारिक रोड और यहाँ पे हम करने आए अपनी लास्ट मिनट ईद शॉपिंग, लिटरली ईद इन फ्यू डेज, और अब जाके मुझे ईद की शॉपिंग का टाइम मिला है। मैंने सोचा था मैं खुद बनवाऊंगी पर वक्त नहीं है, मतलब लिटरली 3-4 दिन में ईद है, मैं कब कपड़ा लूँगी और कब दूंगी कब सिलवाऊंगी, तो आई डोंट थिंक सो इतने लास्ट मिनट में टेलर वगैरह लेंगे। और अम्मी ने भी जवाब ही दे चुकी हैं, अभी मेरे कपड़े नहीं सीती तो खरीदना ही पड़ेगा। तो हम 3-4 आउटलेट्स में गए हैं और कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, एक ही डिज़ाइन हर तकरीबन स्टोर्स में जा रही है। सो अब हम जाएंगे किसी और स्टोर, लिटरली कोई 15-20 मिनट हुए होंगे हम एंटर हुए हैं और हम 2-3 स्टोर्स में गए हैं, एक ही डिज़ाइन हर स्टोर में तकरीबन चल रही है और प्राइजेस तो आसमान को छू रहे हैं। लिटरली शायद एंड टाइम आ चुका है तो तभी भी प्राइजेस बड़ी ज़्यादा ही कर दी उन लोगों ने, आई हैव नो आइडिया, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोग अभी नकुश गए थे, वहाँ से तो निकल ही आ गए, वहाँ पे गए क्यों पता नहीं, वहाँ पे बहुत सब फैंसी फैंसी, नॉट ई टाइप पर शादी टाइप, तो वो तो नहीं चाहिए, ना कोई हैवी वैवी सा चाहिए, मुझे सिंपल सा चाहिए एक अच्छा सा ड्रेस। सो और अम्मी को भी लेना है सना सफीना जाएंगे, अम्मी के लिए भी आउटफिट लेना है, अबू के लिए भी आउटफिट लेना है, शलवार कमीज सना सफीनास पे देखते हैं अब ये क्या हमें ऑफर कर रहे हैं। हम लोग अभी सना सफीनास गए थे, ये लोग अंदर शूट नहीं करने देते वरना मैं आपको ड्रेस दिखाती, था प्यारा पर उसका प्राइस 26,000 था एंड मतलब इतना भी कोई प्यारा नहीं, मतलब अच्छा था बट 26,000 वर्ड्स वाला नहीं था वो लिटरली। ये अम्मी, मैं अम्मी से बनवा लूँ आउटफिट, पर अब मैं जा रही हूँ अपने फेवरेट सफायर में क्योंकि यहीं से ही मुझे मिलता है, यहाँ से ना मिली तो मैं जाऊँगी खाटी, यही तो चलता है जहाँ से मैं अपने लिए ड्रेस ले सकती, यहाँ पे जाके मैं आपको बाद में अपडेट करूँगी। आई लाइक दिस आउटफिट पर जस्ट कुर्ती, इसका 3 पीस नहीं है वरना ये मैं ईद के लिए कर सकती थी। प्राइस क्या है, इट्स फॉर 8,000, इट्स जस्ट अ कुर्ती बट इट्स प्रिटी, पर मैं ब्लैक से हट के कुछ करना चाह रही हूँ यार। लास्ट ईद आई डोंट रिमेम्बर मैंने कौन सा कलर पहना था बट ब्लैक, मैं जितना दूर जाना चाहती हूँ ब्लैक से घूम फिर के उधर ही आके अटक जाती हूँ, वो मुझे अच्छी लग रही है बट इट्स जस्ट अ कुर्ती, कहाँ जाएं क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मेरा ड्रेस बना देंगे एक आध दिन में, पता नहीं, दैट मींस अ नो, दैट मींस अ नो, सो आई हैव टू फाइंड समथिंग इन दिस स्टोर फॉर ईद। एक घंटा हो गया है हमें और कुछ नहीं मिला है, इस बार तो सफायर ने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, नॉट विद द कलेक्शन बट विद द प्राइसेस, लिटरली उसने बहुत नहीं यार इतना नहीं करना है मैंने। खैर अब हम जा रहे हैं आइडियाज पे विद द होप ऑफ दैट वी विल फाइंड समथिंग हियर। हम लोग थक हार के अनस्टिच कॉर्नर पे ही आ गए कि स्टिच जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और जो समझ में आ रहा है या तो उस पर मेरा साइज नहीं है या तो फिर बहुत एक्चुअली ज़्यादा ही ओवर ही एक्सपेंसिव है, मतलब क्या ही हो गया है भाई। सो नाउ वी नीड टू शॉप समथिंग फॉर बाबा, कोई शलवार कमीज उनके लिए लेनी है, मैं ब्लैक लेने का सोच रही हूँ पर इट्स बिन अ वाइल कि मैंने वो ब्लैक में देखा नहीं है, आई एम नॉट श्योर अगर वो ब्लैक पहनेंगे कि नहीं, बट दिस इज नाइस, वो भी उनको ब्लैक पसंद आ जाए कि उन्होंने अरसा हो गया मैंने नहीं देखा उनको ब्लैक पहने हुए, बट आई होप बाबा के लिए लेंगे। फिर अम्मी को सूट दिलाना है और अपडेट मेरे अब आउटफिट पे मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला लिटरली, आई हैव नो आइडिया मैं क्या करूँगी, बटन दोनों से ले लेते हैं फिर हम देखते हैं कि मैं क्या करूँगी। मेरे को ऐसे लॉन्ग फ्रॉक्स ही पसंद आते हैं तो उनको ये लॉन्ग फ्रॉक पसंद आ रहा है, ये अबाया टाइप स्टाइल भी दिखेगा आपको। अच्छा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये एक कुछ मुझे समझ में आया है पर इट्स वाइट बट आई लाइक इट, ये 3 पीस है, दुपट्टा और ट्राउजर दोनों साथ है, आई एम थिंकिंग टू गेट दिस वन, अब तो कुछ और समझ में नहीं आ रहा, अब यही कुछ समझ में आ रहा था, आई थिंक वी शुड गेट दिस वन बट विल सी। अच्छा तो उन्होंने मुझे अभी करेक्ट किया है कि इसमें ट्राउजर एंड शर्ट है, सॉरी दुपट्टा एंड शर्ट है ट्राउजर नहीं है, बट क्या ये ऑफ वाइट है इसके लिए तो ट्राउजर मिल जाएंगे, अब मैं फिर से कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे कुछ फिर से समझ में नहीं आ रहा। तो वी आर आउट फ्रॉम अलकरम, अम्मी की हो गई
अबू की हो गई, मेरी रहती है और मेरी नहीं हुई है। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। सब जनरेशन यू आर द लास्ट ऑप्शन। हियर वी कम। सो आई फाइनली मैनेज्ड टू बाय समथिंग फॉर द ईद। मैं आपको ये ईद पे ही दिखाऊंगी। मैंने अपने लिए कुछ ना कुछ ले लिया है, अम्मी के लिए, अब्बू के लिए, सबका शॉपिंग हो गया है। अब इस वक्त बज रहे हैं 6 एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फूड कोर्ट। फूड कोर्ट ना, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फूड कोर्ट। यहीं पे इफ्तार करेंगे, देन वी विल गो बैक टू होम। आपको क्या खाने का मूड है अम्मी? प्रॉपर कुछ खाओ। चलो देखते हैं। कबाब जिस खाए वो क्रिस्पी फ्राइड चिकन। फिर से ये फ्राइड चिकन ट्राई करने के। पानी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग आ गए हैं खुस्सा के शॉप पे, अपने फेवरेट खुस्सास पे। और ईद के जोड़े के लिए खुस्सा ले रहे हैं। मैं ईद का जोड़ा आपको नहीं दिखाऊंगी अभी फिलहाल। आई थिंक आप लोग ग्लिम्सेस से देख ही लिए होंगे, बट प्रॉपर मैं आपको ईद के दिन दिखाऊंगी। ये देखें, ये लाइट बैबी पिंक। हाल कितना बेहाल हो चुका है इस वक्त। खैर हम लोग आ गए हैं इरम शॉपिंग मॉल। अब जो मैंने आउटफिट लिया है ईद का, जो टू पीस था उसका दुपट्टा नहीं था, तो अब हमें दुपट्टा देखना है। एंड साथ में प्रॉबेबली नहीं है, डार्क शेड है, इसी का डार्क शेड है ये। और उसमें ग्रीन कलर है, इसका बेस कलर दिखाया ना, नहीं है तो फिर उसको डाई कराना पड़ेगा। ये करेंगे उसके बाद फिर मैंने चूड़ियाँ वगैरह लेनी है और मैं थक चुकी हूँ बिल्कुल। थोड़ा ये मैचिंग की चूड़ियाँ दिखाएं, साइज बताऊं मेरा साइज 0 पता नहीं, तो छोटा साइज। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट इज़ द नेक्स्ट डे। तो आई डोंट रिमेंबर लास्ट मैंने क्या व्लॉग किया था। आई बिलीव सारी तैयारी वगैरह हो रही थी, तो सा करें रहो उनकी तैयारी वगैरह हो रही थी, वो हो गई थी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से इफ्तार भी हो गई थी। अब हम नेक्स्ट डे पे हैं। क्या कर रही हैं? कद्दूकस वेजिटेबल पॉकेट ब्रेड, पॉकेट ब्रेड। और मैं बनाऊंगी चिली बाइट्स। अपना नाम दे दिया है मैंने। तो यहाँ पे बन रहे हैं वेजिटेबल के समोसे। अच्छा आई डू नॉट लाइक वेजिटेबल के समोसे, टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत अच्छे बनाऊंगी, होपफुली अच्छे बनाएंगे। आप अच्छे बनाती हैं, बना देंगे। इसको कद्दूकस करूंगी। तो यहाँ पे कौन कौन से वेजिटेबल्स आपने यूज किया है? सी कैरेट, आई सी कैबेज, यहाँ पे ये शिमला मिर्च काट रही है, पीस एंड पीस। सो अर्चना इतने टाइम के बाद मेरे घर रुकने आई है, आफ्टर व्हाट 4 to 5 months आई बिलीव, है ना। जब लाल लोग आए हुए थे एक्चुअली, तभी आप आई नहीं थी, हम आए थे आपके घर। सो इस साल की आप पहली मिलने आई है। एक टाइम होता था ये इतना आती थी हमारे घर हर वीकेंड। पीपल चेंज यू गाइस, हेंस फ्रूड। हाँ, वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। एनी वे, सो मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैं बनाऊंगी पेरी पेरी बाइट्स, नॉट एज सच, मैं बस बोलूंगी चिलीज लूंगी, उनको थोड़ा सा फिल करूंगी। एंड बेसिकली मैं बनाऊंगी मिर्ची के पकौड़े। सो ये करूँगी, मेरा बड़ा दिल कर रहा था इस बार। मैं सोचा था रमज़ान में मैं बहुत नई नई सी रेसिपीज़ बनाऊँगी और उनको रिकॉर्ड करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। बहुत सारे रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाया, कुछ मैं रिकॉर्ड करके नहीं दिखा पाई। एनीवे, सो ये रही हमारी मिर्ची है। हम इसको वॉश करेंगे, बीच में से काटेंगे, इनका मवाद निकालेंगे और फिर उसको पानी में भिगो के रख देंगे विद विनेगर, ताकि उसकी कड़वाहट निकल जाए। तो उसको हम विनेगर में डाल देंगे ताकि उसकी कड़वाहट निकल जाए, बट अम्मी कह रही है इनमें कड़वाहट नहीं है। सो मे बी हम विनेगर वाले पार्ट को स्किप कर दें, बट अगर आप चिलीज बना रहे हैं तो यू हैव टू डू दिस, कि आपको वॉश करके उसको पानी में डालना है विद विनेगर, 3 teaspoons डाल दो एंड उससे उसकी वो जो बिटरनेस है वो ख़त्म हो जाता है, एंड देन इट्स ब्यूटिफुल टू ईट। तो ये हमने मिर्चीज ले ली है, मैंने ग्लव्स पहन लिए ताकि हमारे हाथों में मिर्ची लगे ना, वरना बहुत गंदा हो जाता है। हाँ तो दूसरे इसको तो पकड़ूंगी ना, तो यहाँ से बीच में काटेंगे इसको, ऑपरेशन करेंगे और ये अंदर का सामान निकालेंगे। आप लोगों को दिखाती हूँ साथ में। यहाँ पे हमने आलू बॉइल पे डाल दिया है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरी सारी चिलीज को मैंने जितना साफ करना था मैंने कर दिया है। अब हम बनाएंगे इनका मसाला। बस चिकन नहीं है तो हम चिकन पाउडर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। साथ में हर्ब्स यूज़ करेंगे जो कि है मिक्स्ड हर्ब्स, सोया सॉस,
चिली सॉस, विनेगर, आलू जो उसकी फिलिंग के लिए इस्तेमाल होगा। साथ में आई मेड दिस सॉस यस्टरडे विच इज़ वेरी नाइस। साथ में आई मेड दिस सॉस और ये सॉस बनती है केचप, मायो और गार्लिक पाउडर से। सो इसको भी हम साथ में यूज़ करेंगे फिलिंग के वक्त। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे आलू वाला बैटर। सबसे पहले जाएगा हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, 1 teaspoon मिक्स्ड हर्ब्स, 1/2 teaspoon चिली पाउडर, क्योंकि चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होगा तो हम हंस पे जायका थोड़ा सॉल्ट डालेंगे अभी। 1 teaspoon क्या कहते हैं इसको, चिली सॉस, 1 teaspoon सोया सॉस, 1 teaspoon विनेगर, इसको हम करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। हम थोड़ा सा सॉस इसमें डालेंगे, बाकी थोड़ा सॉस बचाएंगे, वाइट फिलिंग बाकी डालेंगे। सबसे पहले हम सॉस लेंगे, रेडी। अब ऐसे हम सारे बना लेंगे। सो ये हमारे समोसे का मसाला इज बीइंग प्रिपेयर्ड। यहाँ पे माई चिलीज आर ऑल्सो डन। अब बस जब टाइम करीब आएगा तो हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं मिर्ची के पकौड़े बनाऊंगी, बट नाउ आई हैव चेंज माई माइंड। इतना करने के बाद अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसको एग और ब्रेड क्रम्स में बनाऊँ, क्रिस्पी एंड यमी। अच्छा, तब टाइम है इनको फ्राई करने का। यहाँ पे मैंने एग बीट करके रखा है, ये हमारे ब्रेड क्रम्स हैं एंड यहाँ पे हमारा ऑयल हो रहा है गरम। और यहाँ पे है भाभी और ये रही हमारी भाभी। हेलो, मुझे खुद ही आ रहे हैं मेरे अंदर कुछ भी स्किल्स, अचानक से मुझे खुद भी नहीं पता है। कैसे हैं आप? आप कहोगे रफ्तारी पे हैं। हाँ जी, ठीक है, बस 2 मिनट चलिए इसको कर ले, फिर आपके पास वापस आते हैं और वो जल जाएंगे। डबल कोट भी कर दिया, 5 मिनट डाल देंगे। उठा के फ्राई कर अभी। ओके, सुनाओ विलू। ये विल्दान ने हमें चाइनीज पोएम सुनाई है। नाउ विल्दान, व्हाट डज इट मीन? लेकिन अब इसने बोलनी भी स्टार्ट कर दी तो ये बिल्कुल मिक्स एंड मैच हो गया है। अशना ये बात करो मेरे से, वो मैं विल्दान के पास वापस आती हूँ, मैं आपको देखती हूँ। अच्छा, तो ये लास्ट 2 मिर्ची के मैंने फ्राई पे डाल दिए हैं, एक बन चुका है, 2 थोड़े से बेचारे मर गए, आई डोंट नो क्या क्यों हुए, मुझे नहीं पता ये बाकी के 2 ऐसे क्यों हो गए, बाकी तो 3 सही गए हैं, उसका मुझे नहीं पता क्या हुआ है। आई फील लाइक जब तक मैं एंड पे आते गई ना, मुझे समझ में आता गया कि उसको एक्चुअली में लेके कैसे जाना, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम, अगर मैं पहली बार बना रही हूँ। इस नो कि ये ऐसे क्यों टूट गए, क्यों खुल गए, तो डू लेट मी नो। सो ये बना लिया है मैंने, कुछ 2 मेरे अगेन ख़राब हो गए, बाकी आई फील लाइक अच्छे बन गए, आई होप टेस्ट में अच्छे हों। फिलहाल टेबल पे ये चीज़ें रखी गई हैं और चीज़ें ला रही हूँ मैं, समोसे, तो समोसाज आर रेडी, ये भी रेडी, सो दैट्स द स्प्रेड फॉर नाउ। यहाँ पे बन रहे हैं पकौड़े एंड समथिंग, व्हाट्स दैट? हाँ, दैट चीज रोल, द पॉकेट्स वन जो हम बना रहे थे। लास्ट थिंग ऑफ टू टेबल।